हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएस गुरुजी। मध्य प्रदेश जी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश जीके के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं आगामी एग्जामिनेशंस के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये जो क्वेश्चंस है एग्जामिनेशंस के लिए अति संभावित है। तो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न ही। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला समूह की पहचान कीजिए। जो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला समूह है वो जिला समूह है इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना और छतरपुर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न ही। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात क्या रहा। 2011 की जनगणना की अगर बात की जाए तो जो मध्य प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का अनुपात था वो अनुपात था 72%, इसका टोटल अनुपात था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ही। निम्न में असत्य युग्म बताइए। असत्य युग्म यहाँ पर बताना है, किले और दुर्गों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, कौन सी इस जगह पर ये पड़ते हैं उसके बारे में अपने बताना है। तो ये देखिए, चंदेरी किला गुना में पड़ता है, बांधवगढ़ दुर्ग उमरिया में पड़ता है, गुजरी महल ग्वालियर में पड़ता है, लेकिन जो असीरगढ़ किला है ये खरगोन में नहीं पड़ता है। तो ये युग्म यहाँ पर असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित राष्ट्रीय उद्यान तथा जिले से संबंधित गलत जोड़ा बताइए। जो राष्ट्रीय उद्यान है तथा जिले से संबंधित जो गलत जोड़ा है, इसमें गलत जोड़ा है सतपुड़ा भोपाल, ये जोड़ा गलत है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ही। मध्य प्रदेश में कहाँ पर पर्यावरण उद्यान एकांत का निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का वो स्थान जहाँ पर पर्यावरण उद्यान एकांत का निर्माण किया जा रहा है, तो एकांत का निर्माण किया जा रहा है भोपाल में, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन ही। राजघाट बांध किस नदी पर निर्मित है। जो राजघाट बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है बारना नदी पर, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। मध्य प्रदेश के अगर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में ये स्थित है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश के कितने तहसीलों को 2011 की जनगणना का आधार बनाया गया। मध्य प्रदेश की वो तहसीलें जिनको 2011 की जनगणना का आधार बनाया गया, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 342 तहसीलें ऐसी थी जिनको 2011 जनगणना का आधार बनाया गया था। अगला प्रश्न ही। राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम द्वारा प्रदेश में स्थापित कपड़ा मिलों से संबंधित कौन सा युग्म सत्य नहीं है। कपड़ा उद्योग निगम की अगर बात की जाए तो इसके द्वारा जो प्रदेश में स्थापित कपड़ा मिलों से संबंधित जो युग्म है जो सत्य नहीं है वो युग्म है कल्याणमल मीन्स लिमिटेड बुरहानपुर, ये युग्म सम्मिलित नहीं है। प्रदेश में महिला कृषकों को प्रशिक्षित करने की एक योजना किस देश के सहयोग से चलाई गई। महिला कृषकों को प्रशिक्षित करने की जो योजना चलाई गई, ये योजना चलाई गई थी डेनमार्क के सहयोग से, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ही। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 की अगर बात की जाए तो ये शुरू होता है आगरा मुंबई से, शुरू होता है आगरा से और मुंबई पर ही समाप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध स्थल कायथा निम्न में से किससे किसके समीप है। तो कायथा की अगर बात की जाए, जो कायथा स्थल है ये उज्जैन के समीप है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला अपना क्वेश्चन है, कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। कालिदास का वो ग्रंथ जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है वो ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसे जो है महाकाव्य भी माना जाता है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला अपना क्वेश्चन है, प्रत्येक जिले में तारामंडल स्थापित कर मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। प्रत्येक जिले में तारामंडल स्थापित किया है और इस तरह से मध्य प्रदेश ने जो स्थान प्राप्त किया है वो स्थान प्राप्त किया है फर्स्ट प्लेस पर, इसमें मध्य प्रदेश रहा है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ही। मध्य प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण पर नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम कब बनाया था। तो ये जो मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम है ये बनाया था 1968 में, 1996 में इसको बनाया गया था, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला अपना प्रश्न ही। मध्य प्रदेश की पहली कल्चर लैब कहाँ स्थापित की गई। मध्य प्रदेश की अगर पहली कल्चर लैब की बात की जाए तो ये स्थापित की गई थी इंदौर में, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसकी वर्दी का रंग क्या है। मध्य प्रदेश राज्य पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसकी वर्दी का रंग होता है गहरा नीला, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? वो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे उनका नाम है माधव राव सिंधिया, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। बाकी अर्जुन सिंह, श्यामचरण शुक्ल और सुंदरलाल पटवाई, ये तीनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग है इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना स्थित है बरगी नदी पर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 2001 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के पुरुष एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः कितना था? 2001 की जनगणना की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पुरुष एवं महिलाओं का जो प्रतिशत था वो था 52,010 और अनुपात 47:90, ये इसका प्रतिशत था। वैश्य टेकरी कहाँ पर स्थित है? वैश्य टेकरी की अगर बात की जाए तो ये स्थित है उज्जैन में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला अपना प्रश्न ही, जबलपुर स्थित मदन महल किला का निर्माण किस शासक ने कराया था? जबलपुर में जो मदन महल किला है इसका निर्माण कराया था राजा मदन शाह ने। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला अपना क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य स्थित है मुरैना में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला अपना क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली बार किसी साड़ी का पेटेंट कराया गया यह कौन सी है? मध्य प्रदेश में पहली बार किसी साड़ी का पेटेंट कराया गया और ये जो साड़ी है ये साड़ी है चंदेरी साड़ी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला अपना क्वेश्चन है, केन बेतवा परियोजना से मध्य प्रदेश की कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी? जो केन बेतवा परियोजना है इससे मध्य प्रदेश की जितनी हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी वो हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी 6.50 लाख हेक्टेयर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला अपना प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है उज्जैन में। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ स्थित है? ओरिएंटल पेपर मिल की अगर बात की जाए तो ये शहडोल में है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धोपकरण कारखाना नहीं है? वो जो युद्धोपकरण कारखाना नहीं है वो है ग्रे आयरन फैक्ट्री जबलपुर। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? भेल की अगर बात की जाए तो भेल की स्थापना हुई थी ब्रिटेन के सहयोग से। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश की मान परियोजना किस स्थान पर स्थित है? मध्य प्रदेश की जो मान परियोजना है ये स्थित है जीराबाद में। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? जो अहिल्याबाई होलकर है इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी इंदौर में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कौन सी सृजन पीठ स्थित है? जो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन है इसमें जो सृजन पीठ स्थित है वो सृजन पीठ है मुंशी प्रेमचंद। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रथम क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी प्रथम क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना हुई थी भोपाल में। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। शीर्ष जनजाति अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया है? जो शीर्ष जनजाति अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में, इन तीनों जगहों पर ये स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी है सैयद जलालुद्दीन, लक्ष्मण सकर रूप सिंह, असलम शेर खां समीर दाद, ये सभी मध्य प्रदेश के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल का नाम है शरला ग्रेवाल। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा के 17वां स्थान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? जो राज्य की विधानसभा है इसके 17वां स्थान का आदेश दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित किस तिथि को मध्य प्रदेश में लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? तो वो जो तिथि है वो तिथि है 25 सितंबर। इस तिथि को मध्य प्रदेश में लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है? मध्य प्रदेश की 38.5% जनसंख्या ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब हुआ? मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना है जिसका प्रारंभ हुआ था अप्रैल 2008 में। निम्न में से कौन से युग्म गलत है? जो युग्म गलत है वो युग्म है ओकारेश्वर खंडवा, ये युग्म गलत है। मध्य प्रदेश का वो कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसे देश का दसवां और प्रदेश का प्रथम जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया है? तो वो है पचमढ़ी। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को प्रोजेक्ट आयकर को नवीन क्षेत्रों में शामिल किया गया है?
तो वो जो शामिल किया गया है वो है एक तो संजय नेशनल पार्क और एक है संजय ढुबरी वन्य प्राणी, इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत सागर आधा उत्तर प्रदेश एवं आधा मध्य प्रदेश में बना है, मध्य प्रदेश के ये किस जिले में है? तो ये जो है ये जिस जिले में है वो जिला है सीधी, ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में हरसोट पाया जाता है? वो जिला जहां पर हरसोट पाया जाता है वो जिला है शिवपुरी, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है पीके पांडे, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत में सबसे अधिक उद्योग विहीन जिले किस राज्य में है? तो सबसे अधिक उद्योग विहीन जिले हैं मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में हुई? तो प्रदेश को जो सर्वाधिक क्षति हुई जिस क्षेत्र में वो था आर्थिक क्षेत्र में। प्रदेश सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में निम्नांकित कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना की समावधि क्या थी? तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है इसकी समावधि थी 1961 से 1966 तक। ओरछा किला किस जिले में स्थित है? ओरछा किला स्थित है टीकमगढ़ जिले में। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने विदेशी विश्वविद्यालय के साथ अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए सहमति दी है? तो वो विश्वविद्यालय है डीएन विश्वविद्यालय, जिसने विदेशी विश्वविद्यालय के साथ अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए सहमति दी है। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो जितना प्रतिशत होना चाहिए वो होना चाहिए 31.33%। मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो ये स्थित है भोपाल में। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है? तो वो उनका नाम है अभय खुरासिया, जिन्होंने भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक है ऋषि कुमार शुक्ला। मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव कौन थी? उनका नाम है निर्मला बूच, ये मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव थी। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है झाबुआ। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है? तो उस राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य का नाम है पालपुर कूनो। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो जिला है बालाघाट, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र स्थान जहाँ संयुक्त शिवलिंग है वो स्थान है ओकारेश्वर, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये जो उद्यान है ये स्थित है उमरिया में, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो जो वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया ये किया गया था 1970 में, 1970 में मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण किया, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश इंदिरा सागर महेश्वर ओकारेश्वर एवं सरदार सरोवर परियोजना के प्रभावितों में कौन शामिल है? तो इसके प्रभावितों में शामिल है 25,000 परिवार इससे बेरोजगार हो गए और ये इसमें शामिल है। राष्ट्रीय खनिज नीति के अनुसरण में मध्य प्रदेश खनिज नीति कब घोषित हुई? तो ये घोषित हुई थी 1995 में। किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थित है? ये केंद्र स्थित है उमरिया में, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। रक्षात्मक एवं भारी व्यावसायिक वाहन उत्पादन के लिए हेवी व्हीकल फैक्ट्री की स्थापना वर्ष 1955 में कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी जबलपुर में, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रदेश के नीमच छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह किया? तो इन्होंने विद्रोह किया था 3 जून 1857 को। निम्न में से किस प्रादेशिक स्थल पर हवाई अड्डा नहीं है? वो प्रादेशिक स्थल है सीधी, जहां पर हवाई अड्डा नहीं है। वीरांगना रानी अवंती बाई का शासन कहाँ था? इनका शासन था रामगढ़ में, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। व्याकरण का मान्य रचयिता किसे माना जाता है? व्याकरण का मान्य रचयिता माना जाता है कामता प्रसाद गुरु को। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तरीय स्वायत्त मिशन आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। शिवपुरी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है काली सिंध के किनारे। मुख्य जनजाति कौन सी है? जो मुख्य जनजाति है वो जनजाति है बेगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है, तो जब तक उसे राज्य विधानसभा का बहुमत प्राप्त होता है तब तक वो पद पर बना रहता है। मध्य प्रदेश में सिविल सेवकों का सर्वोच्च ओन होता है, जो सिविल सेवकों का सर्वोच्च ओन होता है वो होता है मुख्य सचिव, इनका सर्वोच्च मुख्य सचिव होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा को अध्यक्ष को हटाने का संकल्प पारित करने के कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है? तो वो होती है 14 दिन पूर्व। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989
प्रवर्त कब हुआ? तो ये प्रवर्त हुआ था 30 जनवरी 1990 को। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रेलवे मंडल कार्यालय स्थित है? तो वो स्थान है बिलासपुर, जहां पर रेलवे मंडल कार्यालय स्थित है। मध्य प्रदेश के किस शहर में कचरा प्रबंधन हेतु हुडको ने आर्थिक सहायता की योजना प्रभावित की है? तो वो की है ग्वालियर ने। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब हुआ? तो इसका गठन किया गया था 1972 में। मध्य प्रदेश में इजीतमा नामक वार्षिक समागम कहाँ होता है? इजीतमा नामक वार्षिक समागम होता है भोपाल में। निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? वो राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपाये की संख्या सर्वाधिक है? तो वो पठार जहाँ पर चौपाये की संख्या सर्वाधिक है वो है बघेलखंड। मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था? तो इसमें रखा गया था 7800 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य इसमें रखा गया। किस रेलगाड़ी को ISO 9001 गुणवत्ता प्रमाणीकरण मिला है? तो वो मिला है भोपाल एक्सप्रेस को। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के पुरुष एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः रहा है? तो इनका प्रतिशत रहा है 51.1%। 2007-08 के बजट की मुख्य विशेषता क्या रही? ये जो बजट रहा है इसकी मुख्य विशेषता रही है पहली बार जेडर बजट इसमें शामिल हुआ है। प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये जो कृषि विश्वविद्यालय है ये स्थित है, ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को रोंग की श्रेणी में गिन सकते हो। मध्य प्रदेश का पहला भूमि उपग्रह केंद्र विदेश संचार निगम लिमिटेड की सहायता से कहाँ स्थापित किया गया? तो इसको स्थापित किया गया था इंदौर में। निम्नलिखित में कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है? तो वो स्थान है गुर्जरा दतिया, सांची रायसेन और पन गुडरिया सीहोर, ये सभी स्थान अशोक से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार संविधान निर्माता परिषद के सदस्य रहे हैं? वो साहित्यकार हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। मध्य प्रदेश का पहला ड्राइविंग स्कूल जो है इसमें कितने प्रतिशत ड्राइविंग स्कूल सिखाया जाता है? तो वो सिखाया जाता है 65.11%। मध्य प्रदेश के कितने शहर राज्य सरकार द्वारा पवित्र घोषित किए गए हैं? तो वो शहर है 7। मध्य प्रदेश के प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कब से प्रारंभ है? तो ये कार्यक्रम जो स्टार्ट हुए हैं ये कार्यक्रम स्टार्ट हुए थे 1 अप्रैल 2005 से। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल न्यूनतम रहा है? तो वो न्यूनतम रहा है राजा नरेश चंद्र सिंह का। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका अधिनियम पारित किया गया था 1961 में। जनपद पंचायत का क्षेत्र है, तो जनपद पंचायत का जो क्षेत्र है वो है विकासखंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थ स्थल मुक्तागिरी किस जिले में स्थित है? तो ये स्थल है बैतूल में, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश जीके से जुड़े आगामी एग्जामिनेशंस के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इनका जो PDF है आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.dsguruji.com, या इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका नाम भी DS गुरुजी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को या वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, जहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।